सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई, आज का सीन कुछ ऐसा है कि मौसम का हाल तो आप सबको ही पता है कि कैसा चल रहा है। रोज़ बारिशें वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी भी थोड़ी बूंदाबांदी वगैरह हो रही है। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैंने खोला नहीं है इनको, और बस अब देखते हैं क्या सीन चल रहा है। जग्गू की हालत थोड़ी फिर दोबारा ख़राब हो गई थी, और उसकी टांगों वांगों पे मतलब वही फिर मसला आ गया। उसकी टांग की बेसिकली खाल जो है वो हट गई है, और वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हटी है, या तो लड़ने में या तो आई थिंक इसने कुछ करा है, क्योंकि खाल पूरी हट गई है। और सीन ये ऐसा है कि मैंने उसकी ड्रेसिंग वगैरह करी है अभी, और बाकी दिखाते हैं हम आपको कि क्या सीन चल रहा है। बाकी मौसम के लिहाज से तो भाई आजकल बहुत मसले चल रहे हैं, बहुत केयर करनी पड़ रही है। रातों में इनके पास बैठना पड़ रहा है कोयले वोयले जला के। तो आप लोग बस दुआ करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें बताते रहें कि सर्दी से बचने की कोई नई टिप वगैरह हो, क्योंकि हमारा तो वही, मैं दोबारा बोलूँगा, ये पहला पहला एक्सपीरियंस है। तो आप भी हमारा भरपूर तआवुन करें, और बाकी अपना प्यार ऐसी हमें दिखाते रहें। अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को हमारे बकरों की क्या सूरत हाल चल रही है। तो भाई ये सूरत हाल चल रही है हमारे बकरों की। हाँ भाई लालू, क्या हाल है? सुबह लालू और बबलू ने सीन ये करा है कि भाई दोनों ने आपस में अपनी रस्सियाँ वगैरह फंसा ली थी, और फुल मतलब इनके फंदा वंदा लग गया था। वो तो बाबा ने शुक्र है देख लिया, फिर आके हमें बताया। हम लोग ने इनकी रस्सियाँ वगैरह साइड करी हैं आपस में। ये लोग बहुत जो है ना लड़ते भी हैं, और डे बाय डे मतलब इन लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। और फिर माशाल्लाह से हमारे शेरा ने जो है रस्सी तोड़ दी है। इधर आओ, ए चलो भाई, मुबारक हो। शेरा ने फिर हमारे रस्सी तोड़ दी है। ये अभी अभी बिल्कुल सडनली प्लान मतलब प्लान होता है इसका, मुझे लगता है कि ये रस्सी रस्सी तोड़ देता है। नहीं अभी वो टाइम नहीं है, चलो तुम बाहर चलो। वो छोटे बच्चों पे जुल्म करता है यार, ये पागल हो गए हो तुम? बच्चे हो ना, बच्चे ना वो सारे अभी। चलो बाहर चलो तुम, रस्सी तोड़ती भाई हमारे फिर से शेरा भाई ने। रस्सियाँ तो ये लोग ऐसे तोड़ते हैं जैसे मजाक चल रहा है इनका। ये देखें रस्सी तोड़ दी है, और वो छोटे बकरों के पास घुसा हुआ था, तो शुक्र है मैंने देख लिया अपनी जगह से। ये उधर कैसे आया? चलो आ जाओ, रस्सी बांधते तुम्हारी। जग्गू की हालत है कि अभी मैंने ड्रेसिंग वगैरह करी है इसकी, पाँव पे पट्टी वगैरह बांध दी है। नहीं जग्गू, जग्गू भी जो है ना बहुत शरारती हो गया है। आओ अंदर आओ, रस्सी निकालना, और जो है ना बस मैं क्या करूं, समझ से बाहर हो गया, रोज़ का इनका हो गया। मुझे लग रहा है अब इनको ना चेने वगैरह बांधनी पड़ेंगी।
देखो उसके बाद से ये ऊपर नहीं चढ़ रहा, अब पता नहीं इसको चढ़ाएंगे माशाल्लाह से। जान वगैरह में सब कुछ बहुत ऊपर जा रहा है, रोड पे आ गया है माशाल्लाह से, अच्छी खासी रोड पर आ गया, हाइट वाइट भी उसमें निकाल दी है। तो ये है कि जान में जैसे जा रहा है वैसे ही रस्ते वगैरह नुकसान करते जा रहा है। तो फाइनली भाई शेरा को मैंने बांध दिया अंदर ही, और मतलब उसकी रस्सी वगैरह टूटी हुई थी, और वो बेचारी छोटी पिंकी को हमारे हमें तो बस ने बहुत मारा है। अभी देखते हैं पिंकी की क्या हाल है। पिंकी कैसी हो? पिंकी सही है माशाल्लाह से, कुछ नहीं हुआ है। ये तो है ही सही, ये बहुत बदमाश है यार, ये इसकी हरकतें अभी से इतनी है, मुझे लगता है ये तो शेरा से भी ऊपर जाने वाला है। ये देखें इसकी हरकतें, देखें अभी से ये ऐसा है ना, समझ से बाहर है, इसकी अभी से आवाज़ें निकलती हैं। ये देखें बहुत बदतमीज़ हो रहे हो, थोड़े चलो। खैर पिंकी तो माशाल्लाह से ठीक है। बबली कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? बबली का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ यार, क्योंकि बबली हमारी माशाल्लाह से अभी बच्चे बच्चे भी देने वाली है, तो अम्मा बोलती हैं ख़ास ख्याल रखा करो इसका, सबसे अलग रखो, कोई मारे वारे ना इसको भी। तो अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसको दूसरे वाले पिंजरे में शिफ्ट भी कर देंगे हम लोग, वो भी बना रहे तैयार कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह, तो दूसरे पिंजरे में भी शिफ्ट कर देंगे। शेरा उधर, बबलू पता नहीं आज इतने सुकून में कैसे बैठा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल, मतलब ये कभी सुकून में ना बैठने वाला बकरा है, और ये आज इतने सुकून से बैठा हुआ है। लालू, लालू को खांसी वांसी और लगी हुई है, नज़ला बुखार लोग का तो चल ही रहा है, नज़ला खांसी। कमांडो तो हमारा रोजर बच्चा है, इसको कुछ नहीं होता माशाल्लाह से। हाँ भाई कमांडो, जग्गू का मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जग्गू की ड्रेसिंग वगैरह करी थी। इधर हो ना जग्गू, कैसी है टांग? जग्गू की मैंने ड्रेसिंग वगैरह कर दी थी, हम बस यार दुआ करें आप लोग, मुझे लग रहा है सब यही बोलने के नज़र बदर लग गई है इसको, आप लोग बस दुआ करें यार ठीक हो जाए, इसकी टांगों में ही मसला आया हुआ है, समझ से बाहर है क्यों आ रहा है। बाकी दिखाते हैं हम आपको। सो आज का व्लॉग हमारा ये था कि अभी अभी सडनली शेरा ने रस्सी वगैरह भी तोड़ दी, वो भी आपको मतलब वीडियो में देखने को मिलेगा, और दूसरा कि जग्गू की जो मेडिकेशन वगैरह मैंने की है, अभी ड्रेसिंग वगैरह करी है, बस वही डेली रूटीन थी। बस ये है कि आज इनको थोड़ा पैक ही रखा है, सिर्फ सामने वाले शेड ऊपर किया था, क्योंकि सर्दी इतनी हो रही है और हवा बहुत चल रही है, और मौसम बहुत मतलब ख़राब चल रहा है कि रेगुलर बारिशें और हवा तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह ऐसा नहीं था, सुबह मतलब धूप वगैरह अच्छी खासी निकली भी थी, बट शाम जैसी हुई है तो घटाएँ वगैरह ऐसी आई हैं के मतलब बूंदाबांदी अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है वक्त वक्त से। तो खैर अब बिल्लू की केयर थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब 3-4 दिन से तो बढ़ी हुई है जैसे बारिश हुई है। तो ये सीन था आज का हमारा व्लॉग, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कह दिल से शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बाकी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई बकरों के लिहाज से कोई नई टिप हो, कोई मतलब कुछ भी हो, मैं पहले भी बोलता हुआ आया हूँ शुरू से कि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है,
तो आप लोगों को कुछ भी इस बारे में बताओ सर्दी के लिहाज से कि कैसा बचाया जाए इन लोगों को, तो हमें प्लीज़ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी अपनेपन के साथ हमें अपना प्यार दिखाते रहें। और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे भी माशाल्लाह से इतने व्यूअर्स हैं कि मतलब देखते हैं, अच्छा लगता है बहुत। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें सपोर्ट करने के लिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।